का संचालन किया। मैं जरूर कहूंगा आपके लिए दौरा पंचायत में जो खुशियों का खजाना लाएगा, अंधेरी घर में दिया और गरीबों के लिए खाना लाएगा, इसे राजनेता न समझे साहब। ये सेवक बनकर के सेवा करने का एक बहाना लाएगा, वो बहाना आपके बीच में, इसके दिल में है कि भैया शिखा कहाँ रह गई? मारा नहीं होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में।
अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वही जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम भला है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।